हेलो फोक्स वेलकम टू आवर चैनल दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ द सीरीज जहां हम अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी आपसे शेयर करेंगे और इस एपिसोड में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अपने पैसिव इनकम के पोर्टफोलियो के बारे में कि हमने अपना पैसिव इनकम का पोर्टफोलियो कैसे ग्रो किया एंड इनफैक्ट लास्ट तीन साल में हमने उसको डबल किया है तो ये हम आपके साथ शेयर करेंगे और इनफैक्ट ये भी बता दें कि ये ग्रोथ इन पैसिव इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था हमारी अर्ली रिटायरमेंट डिसीजन

कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हम आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं इस एपिसोड के थ्रू लेट्स स्टार्ट विथ कि हमारी पैसे इनकम की डेफिनेशन क्या है हम उसको बेसिक और सिंपल रखते हैं और ट्रेडिशनल डेफिनेशन से जाते हैं जिसमें आ, हम अपने जो पीरियोडिक रिटर्न्स हैं चाहे वो मंथली है क्वार्टरली एनुअली रिटर्न है हमारे एसेट से इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंट रेंटल्स एंड इंटरेस्ट एंड हम क्या नहीं इंक्लूड करते हैं Uh, कुछ भी वन ऑफ पेमेंट्स या फिर कोई गिफ्ट अगर हमें मिलता है या फिर क्रेडिट uh, कार्ड के पॉइंट्स या लॉयल्टी पॉइंट्स वो हम इंक्लूड नहीं करते तो so, इस पूरे एपिसोड को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम इसको तीन सेक्शंस में डिवाइड करते हैं पहले सेक्शन में हम आपके साथ अपने नंबर्स का वॉक थ्रू करेंगे कि हमारे नंबर्स लेट्स से 2020 में क्या थे और 2023 में क्या थे और कैसे हमारा पैसे इनकम का पोर्टफोलियो लुक्स लाइक दूसरे सेक्शन में हम आपके साथ कुछ जेनेरिक एक्शंस uh, और कुछ स्पेसिफिक एक्शंस डिस्कस करेंगे एंड थर्ड सेक्शन में हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और रिकमेंडेशंस आपके साथ शेयर करेंगे विच मे भी एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन तो नाउ लेट्स गो थ्रू द नंबर उसके लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो so ईयर 2014 हमारी पहली रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली पैसिव इनकम के परस्पेक्टिव से बिफोर दैट हमारी मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल ग्रोथ ईयर टू थाउजेंड सिक्सटीन हमने अपना इक्विटी पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज करना शुरू किया एंड डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया इससे क्या हुआ कि हमारी जो ऑलरेडी uh, हमें जो कंपनी स्टॉक से डिविडेंड मिल रहे थे उसमें हमारी इनकम ऐड हो गई ईयर 2018 एक और प्रॉपर्टी हमने ऐड की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सेविंग जिससे हमारी रेंटल इनकम में ग्रोथ And ये हमारे लास्ट फोर इयर्स की पैसिव इनकम की हिस्ट्री है इन नंबर्स। तो अगर हम रिज्यूम करते हैं किसेंट uh, तो जो है वो से आ रहा था, 28 से, और अराउंड 8 परसेंट इंटरेस्ट इनकम अब इस डेटा के मेन पॉइंट्स क्या हैं ओवरऑल इंक्रीज इन इनकम तो 100 से 213 व्हिच मींस इनफैक्ट मोर देन डबल मोर बैलेंस इनकम स्ट्रीम सो ट ऑन एनी वन पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम विद इन दैसम इट सिर्फ और रेंटल परसेंटेज चाहे ड्रॉप हुई है बट हमारा जो एब्सल्यूट अमाउंट है रेंटल का वो एक्चुअली इंक्रीज हुआ है एंड लास्ट पॉइंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट इस डेटा में दिख रहा है कि पहले दो साल में द इंक्रीज वॉज ग्रेजुअल फ्रॉम टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू बट ट्वेंटी में द इंक्रीज इज सिफिकेंट हम इस पॉइंट को और डिटेल में स्पेसिफिकली एड्रेस uh, करेंगे इन द नेक्स्ट सेक्शन तो पहले डिस्कस करते हैं कि हमने पोर्टफोलियो लेवल पे ऐसे क्या एक्शंस किए जो जेनेरिक एक्शंस थे जिससे हमारी ये जो इनकम डबल हुई है उसका 25 टू 30 परसेंट हम इन एक्शंस को एंट्रीब्यूट करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी एक्टिव इनकम से ज्यादा सेविंग्स शुरू की मोर सेविंग्स मीन्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा इन्वेस्टमेंट मीन्स ज्यादा पैसे इनकम सेकेंडली ये जो हमने नई इन्वेस्टमेंट शुरू की उसको हमने पैसिव इनकम के से पैसे करना शुरू किया ये एक बहुत पॉइंट है बिकॉज़ दिस नीडेड माइंड सेट शिफ्ट कि हम पहले सिर्फ कैपिटल ग्रोथ पे फोकस कर रहे थे कि इस एसेट में इन्वेस्ट करने से इस एसेट की वैल्यू कैसे बढ़ेगी बट अब हम ये भी देख रहे हैं कि उसमें से इनकम जनरेशन की क्या पॉसिबिलिटी है uh, तो कुछ एसेट्स होते हैं जिसमें सिर्फ कैपिटल ग्रोथ के चांसेस हैं कुछ एसेट्स हैं जिसमें सिर्फ पैसिव इनकम जनरेट होती है और कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें दोनों ऑप्शन पॉसिबल हैं तो ये हमारा अब इंपॉर्टेंट इवेल्युएशन क्राइटेरिया हो गया थर्ड फैक्टर क्या है कि और थर्ड एक्शन स्पेसिफिकली पोर्टफोलियो लेवल पर कि हमने अपने पैसिव इनकम के पोर्टफोलियो को बहुत एक्टिवली ट्रैक करना शुरू किया हम मंथली और क्वार्टरली लेवल बेसिस पर उसको ट्रैक कर रहे थे कि कहाँ हमारे पास इनकम आ रही है कम आ रही है ज्यादा आ रही है किस इन्वेस्टमेंट्स में हमने जो पिछली इन्वेस्टमेंट्स की हैं उसके क्या रिटर्न्स आ रहे हैं तो हमने इसको बहुत ही एक्टिवली मॉनिटर करना शुरू किया और ये ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज जनरली हम इस एक्शन uh, 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 को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं हम नए इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं हमारी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स का क्या रिटर्न uh, आ रहे हैं कैसे वो परफॉर्म कर रही है जनरली हम उस पर फोकस नहीं करते और हमने भी नहीं किया था ट्वेंटी we uh, हमने देखा कि जब हम उसको मॉनिटर uh, करते हैं ट्रैक करते हैं तो उसमें से कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव सरप्राइजेस मिलते हैं जो आप अपने नेक्स्ट ईयर के प्लान में एडजस्ट uh, कर सकते हैं एंड लास्ट जो हमारा जेनेरिक एक्शन था वो ये था कि Uh, अब आप ये देखें कि पैसिव इनकम क्या है कि आपको जो भी रिटर्न्स मिल रहे हैं ग्रॉस रिटर्न्स और माइनस एक्सपेंसेस तो वो नेट रिटर्न्स हैं तो या तो आप अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं बट अगर आप अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं तो भी आपकी नेट पैसिव इनकम बढ़ जाएगी तो नेट uh, इसमें एक्सपेंसेस क्या होते हैं अगर आपके पास एक रियल एस्टेट है तो आपको उसको मेंटेन करना है Uh, हो सकता आपको है आपको यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं अगर आप ट्रेडिंग uh, uh, कर रहे हैं इक्विटी खरीद रहे हैं तो आपको उसकी प्लेटफॉर्म uh, की फीस देनी है या आपको एक फंड की मैनेजमेंट uh, फीस देनी है तो ये सब एक्सपेंसिस में आ जाता है तो अगर आप एक एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश करें तो आपके नेट रिटर्न्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन जो हमने किया एंड वी कुड इंक्रीज आर पार्ट ऑफ द टोटल इंक्रीज वी कैन एंट्रीब्यूट टू दिस फैक्टर

बट पीरियडिक रिटर्न्स भी आ रहे हैं तो ये एग्जांपल है जो हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया माइंडसेट शिफ्ट का यहाँ सेकंड एक्शन क्या था कि हमने अपने कुछ एसेट्स को रेनोवेट किया टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स अब अगर आपके पास रेंटल प्रॉपर्टी है तो आपके पास दो तरीके हैं कि आप उससे रिटर्न्स इंक्रीज कर सकें या तो आप रेंट बढ़ा लें या फिर आप एक्सपेंसेस कम कर लें रेंट इंक्रीज काफी हद तक मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड कर, करता है पर यहीं पर आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं टू रिड्यूस दैट डिपेंडेंसी आप अगर अपनी प्रॉपर्टी को अपने एसेट्स को रेनोवेट करें या उसको हमेशा वेल well मेंटेन रखें तो डेफिनेटली आप हायर रिटर्न मार्केट से थोड़े से हायर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमने यही किया uh, कि एक प्रॉपर्टी को हमने रेनोवेट किया ऑब्वियसली एक साल में उसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा था बट ओवर द इयर्स हमारे को नेक्स्ट फ्यू इयर्स में हायर रिटर्न्स मिले और द लास्ट एक्शन दैट वी डिड फॉर रेंटल प्रॉपर्टी कि हमने अपने एक्सपेंसेस कम करने की कोशिश की uh, यहाँ पे बहुत जरूरी है कि कुछ एक्सपेंसेस मस्ट हैव एक्सपेंसेस होते हैं उसको आप नहीं कम कर सकते हैं बट uh, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आप uh, जिससे वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है प्रॉपर्टी की और आप उसको कम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऑलरेडी रेंटेड आउट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया सो so दैट हम एजेंट कमीशन सेव कर सकें और उससे हमारे नेट रिटर्न तो नेक्स्ट आते हैं डिविडेंड इनकम अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से हमने डिविडेंड इनकम इंक्रीज करने के लिए दो तरह की रिबैलेंसिंग की। हमने अपना पोर्टफोलियो रिबैलेंस किया या रीडिस्ट्रीब्यूट किया फ्रॉम नो लो रिस्क लो डिविडेंड पेइंग ईटीएफ से पेइंग पेटीएफ ये पैरेलल शिफ्ट था बोथ इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड अमाउंट बट हम थोड़ा नॉन गारंटेड से गारंटेड की तरफ शिफ्ट हो गए फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक स्टॉक एक्स था जिससे हमें शायद टू टू थ्री परसेंट रिटर्न आ सकते थे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ग्रोथ हमने उसको डिविडेंड uh, स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जहां पे हमें गारंटेड वन पॉइंट फाइव टू परसेंट रिटर्न आ रहे हैं सो so, रिटर्न uh, में इतना डिफरेंस नहीं है बट में डिफरेंस है तो uh, यहाँ पे दो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर ओवरऑल इंक्रीज एक है कि हमने उस डिविडेंड को वापस री इन्वेस्ट किया इन द सिमिलर स्टॉक्स एंड डिविडेंड्स, तो आ, वहां पे अगर व्हाट इज कि थ्री फोर इयर्स में वो इंक्रीज जो है वो एक मेजर सिग्निफिकेंट चेंज हो जाता है सेकेंड रीजन है कि जनरली कंपनीज ऑल्सो इंक्रीज द डिविडेंड पेमेंट ये कुछ गैरेंटिड नहीं है बट द ट्रेंड इज जनरली पॉजिटिव टूवर्ड्स इंक्रीज डिविडेंड बाय कंपनीज दूसरे स्टेप में हमने री की फ्रॉम हाई रिस्क हाई रिटर्न नॉन डिविडेंड स्टॉक्स टू हाई रिस्क हाई रिटर्न डिविडेंड पेइंग ईटीएस टी फॉर एग्जाम्पल हमने अपना टेक पोर्टफोलियो रीडिस्ट्रीब्यूट किया टू

Uh, आपको उसके ऊपर नजर रखनी है बिकॉज दीज इ लॉट मार्केट कंडीशन थोड़ी सी भी चेंज होती हैं तो ये अप एंड डाउन होते हैं तो इसलिए उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है सो दिस की फॉर अस कि हमने हमने उसको रिस्क रिस्क था बट हमने उस risk को मैनेज किया एंड द सेकेंड थिंग दैट वी डिड इन दिस पर्टिकुलर स्टेप वॉज कि जो यहाँ से डिविडेंट आ रहा है उसको हमने लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में या इटीएस में इन्वेस्ट uh, किया तो यहां पे हमारा जो डिविडेंट है वो प्रोटेक्ट हो गया तो so अब आते हैं फाइनली इंटरेस्ट इनकम पे यहां पे हमने कुछ टेक्टिकल चेंजेस किए स्पेसिफिकली क्योंकि इंटरेस्ट uh, रेट्स बहुत हाई थे लास्ट दो साल में 2022 में और 23 में भी तो हमने पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो जो हमारा हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी पोर्टफोलियो था उसको कन्वर्ट किया इनटू फिक्स डिपॉजिट्स सो दैट वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस हाई इंटरेस्ट रेट वी नो की एक टेम्परे चेंज है इंटरेस्ट रेट्स हमेशा इतने हाई नहीं रहेंगे बट दैट इज द पॉइंट कि जब मार्केट कंडीशन फेवरेबल हैं तो हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेते हैं और हमें सेकेंड इसपे बेनिफिट क्या मिला कंपाउंडिंग का दैट इज वाई हमारी इनकम जो है वो 2023 में मेजर शिफ्ट है बिकॉज हमें उसका लास्ट तीन साल का जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो भी इंटरेस्ट इनकम में मिला और इसी में सेकेंडली हमने क्या किया कि अपनी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट्स uh, के अकॉर्डिंगली हमने एक साल दो साल और तीन साल के फिक्स डिपॉजिट्स लिए अगेन टू टेक एडवांटेज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट वी थिंक कि इमरजेंसी फंड्स को हम फिक्स uh, डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं इट्स अ रिलेटिवली सेफ ऑप्शन अगर आपको ये फंड्स चाहिए तो आप एफ uh, ब्रेक कर सकते हैं और अगर नहीं चाहिए तो आप उसका कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं और हायर इंटरेस्ट रेट को भी लॉक uh, इन कर सकते हैं सो so, uh, सारे एक्शन तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ज्यादा सेविंग्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा इनकम सेकेंडली अपनी पैसे इनकम को री इन्वेस्ट करो ताकि उसमें से कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिले और थर्डली हमने जो एक्शंस किए अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना जब भी हम पैसिव इनकम का सोचते हैं तो हम एक नई इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं बट अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को जरूर देखें उसको ट्रैक करें उसको एनालाइज करें एंड सोचें कि उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिल सकता है विदाउट मेकिंग एनी न्यू इन्वेस्ट सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड वी लीव यू विद द मैसेज कि डोंट जस्ट लेट योर मनी वर्क फॉर यू मेक इट वर्क हार्ड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड